नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। चीन का दोगलापन, आतंकवादी सलाउद्दीन का बचाव किया। चीन ने एक बार फिर भारत के प्रति दोगला रवैया अपनाते हुए कुख्यात आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन पर संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंध लगवाने की कोशिशों पर अड़ंगा लगा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर गए थे, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका भव्य स्वागत किया था। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए भी चीन ने विचार करने का आश्वासन दिया था। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत को सलाउद्दीन पर प्रतिबंध लगवाना है तो उसे NSC के 15 सदस्य देशों के समर्थन की जरूरत होगी। NSC के प्रस्ताव 1267 के मुताबिक सलाउद्दीन की यात्राओं पर बैन और उसकी संपत्तियों की कुर्की के लिए सदस्य देशों की मंजूरी बेहद जरूरी है। भारतीयों को सेक्स गुलाम बना लेते हैं IS आतंकवादी। ISIS को छोड़कर भारत वापस आए आरिफ मजीद ने खुलासा किया है कि वहां पर भारतीयों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है और भारतीय पुरुषों व महिलाओं को सेक्स गुलाम समझा जाता है। मजीद के खिलाफ 8000 पेजों की चार्जशीट दायर की गई है। गौरतलब है कि आरिफ मजीद अपने 3 दोस्तों के साथ ISIS में शामिल होने के लिए भारत छोड़कर चला गया था और कई दिनों तक संगठन के साथ रहा था। कैग रिपोर्ट में नितिन गडकरी का नाम, कहा इसके पीछे कोई साजिश है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आशंका है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की हाल की एक रिपोर्ट में उनका नाम आने के पीछे कोई साजिश है, क्योंकि मसौदा ऑडिट रिपोर्ट में उनके नाम का उल्लेख नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जो मसौदा रिपोर्ट नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास गई थी उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन यह अंतिम रिपोर्ट में है। एयर इंडिया को विमान अपहरण की धमकी। एयर इंडिया के ठाणे स्थित कॉल सेंटर को एक अज्ञात फोन कॉल में उसके विमान के अपहरण की धमकी दी गई। एयर इंडिया ने कहा कि एक अज्ञात कॉलर ने मंगलवार रात करीब 11:30 बजे ठाणे स्थित एयर इंडिया कॉल सेंटर में फोन कर एयरलाइन की किसी उड़ान का अपहरण करने की धमकी दी थी। जमीन विवाद में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जमीन विवाद को लेकर 5-6 पुरुषों ने एक महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर उससे यौन दुर्व्यवहार किया और उसकी पिटाई कर दी। यह घटना बोईसर के दांडी गांव की है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान नरेश ढोडी के रूप में की गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।